हाय गाइस, मैं आपको आज बताने वाली हूँ आम का अचार बनाने की विधि। तो आप लोग पूरा वीडियो गाइस प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। देखिए, मम्मी हाउसिंग से आम लेके आई है खरीद के आम का अचार डालने के लिए। तो हमने इसका बीज निकाल दिया है और हम इसको पानी में धो के और इसको भिगा के छोड़ देंगे। रात भर ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, ये अच्छे से पूरा साफ हो गया है। अब इसको हम लोग भिगा, देखिए गाइस, इसको ना हम ये रात भर पानी में भिगा के छोड़ दिए थे और फिर सुबह उठ के धूप निकला तो इसको हम डाल दिए सूखने के लिए। और ये सूख जाएगा तो इसके अंदर का जो होता है ना झीली टाइप निकलता है उसको निकाल देते हैं। और बने रहेगा, आप लोग को मैं दिखाऊंगी कैसे अचार बनता है। मम्मी मेरी बहुत टेस्टी अचार बनाती हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे ले लिया है, ये है ना, ये सरसों का पीसा हुआ यहाँ पे मिलता है खरीदा हुआ, तो वही हमने खरीद के लाया था। और उसके बाद से मैंने लहसुन का पेस्ट बना दिया था। तो देखिए, मम्मी लहसुन डालेंगी। ये लहसुन है। लहसुन डाल दिया। अब लहसुन डालने के बाद से हम डालेंगे जवाइन है और मंगरेल, ये दोनों डाल देंगे हम। उसके बाद से इसके अंदर हम अभी और डाल रहे हैं। उसके बाद से मसाला डाल दिए, जीरा और धनिया का पीसा हुआ मसाला है। उसके बाद से ये मिर्चा है, मिर्चा लाल पाउडर होता है ना, वो पीस के हमने सुखा के और मिक्सर में पीस के तो हमने डाला, तो ये डाल देंगे। उसके बाद से हम डालेंगे नमक। देखिए, नमक आम के हिसाब से डालेंगे कितना हमारे पास है उसके हिसाब से। तो आप लोग देखिए कैसे बनता है, एकदम मस्त टेस्टी अचार होता है हमारे घर का, सबसे ज़्यादा नीति को पसंद है। तो उसके बाद से हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद से हम उसको अच्छे से मिला लेंगे। तभी मम्मी डाल रही हैं। उसके बाद से देखिए, इसको अच्छे से मिलाना पड़ता है, फिर मिलाना चालू करेंगी। अभी हम इसके अंदर ना तेल भी डालेंगे। तेल डाल रहे हैं, देखिए डाल देंगे। ये जो तेल है 1 लीटर का है, ये पूरा हमने डाल दिया था। तो ये देखिए, इसको हम डाल दिए। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे कि पूरा हमारा मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, जो भी मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है, सब अच्छे से मिल जाए। तो हमको तेल कम लगा तो फिर हमने दोबारा डाला। तो फिर अच्छे से मिला रहे हैं और इसको बहुत बढ़िया से मिला देंगे कि पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप लोग देखिए, और आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा। अगर जो भी वीडियो देख रहा है वो ऐसे ही बनाए, बहुत टेस्टी अचार होता है। देखिए, पूरा अच्छे तरह से मिक्स कर दिए और यहाँ पे फाइनली पूरा मिला दिए। उसके बाद से हम डब्बे में इसको रख देंगे और इसको धूप में डाल देंगे। कम से कम 1 हफ्ता तक ये धूप में ही रहेगा तो फिर अचार हमारा रेडी हो जाएगा।